असामाजिक तत्वों की पहचान कर कठोर कार्यवाही करे जिला प्रशासन। वही जिला मंत्री रमन गुप्ता। पश्चिमी चंपारण बेतिया से सहयोगी प्रवीण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुधवार रात्रि करीब 11 बजे लाल बाजार घर संसार के पीछे वाली गली के स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक गाय को जबरदस्ती कुआं में गिरा दिया है। जब तक उन्हें पकड़ा जाता वो भाग निकले। सूचना पाते ही वही के जिला मंत्री रमन गुप्ता, जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, कोषाध्यक्ष सुजीत सोनी, रोहित गुप्ता, बजरंग दल, कार्यकर्ताओं संग घटना पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। गहरे कुएं में गौ माता गिरी हुई पाई गई। तत्काल इसकी सूचना नगर थाना, नगर आयुक्त व अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई। तब तक स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, निवर्तमान सभापति प्रतिनिधि, मेयर प्रत्याशी व अन्य गणमान्य लोग जुटने लगे तथा सबों ने अपने स्तर से सामूहिक प्रयास किया। अंततः फायर ब्रिगेड, SDRF, बिजली विभाग के अथक प्रयास से देर रात्रि करीब 2 बजे कुआं में पानी भरकर उक्त गौ माता को सकुशल निकाला गया। वही के जिला मंत्री रमन गुप्ता ने कहा, गौवंश को तो सकुशल बचा लिया गया, लेकिन प्रशासन वहां लगे CCTV फुटेज को चेक कर इस घटना के षड्यंत्रकारियों को चिन्हित करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के विकास गुप्ता, विकास चौरसिया, विक्की गुप्ता, रोहित सितारिया, मोनू अग्रवाल, पंकज चौधरी, राजा साह, दारा सिंह, सोनू, पिंकू, सोनी, मुन्ना उपाध्याय व स्थानीय लोगों का सराहनीय प्रयास रहा। नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम चंपारण जिले में लगातार गौमांस और गौवंश को ढाल बनाकर जिले का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा था कि कैसे जोगापट्टी के एक मंदिर में गाय का पूंछ और गौवंश के मांस के टुकड़े फेंके गए थे। उसी प्रकार कल रात्रि में लाल बाजार महादेव मिट्टी की गली में, घर संसार के पीछे वाली गली में, एक कुआं में जबरदस्ती 3-4 विधर्मी एक गाय माता को धकेल के चले गए। जब तक हो अल्लाह होता तब तक वो काफ़ी दूर निकल गए थे। इसलिए प्रशासन से कल भी आग्रह किया था और आज भी आग्रह कर रहे हैं कि उस CCTV वहाँ की CCTV फुटेज की जांच की जाए और वैसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा माहौल बनाने के लिए ये थोड़ा कड़ा कदम अगर उठाना पड़े तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन को उठाना चाहिए। धन्यवाद। जिला मंत्री विश्वेंद्र प्रसाद रमन गुप्ता।